प्रशंसा का सम्मोहन। प्रशंसा का सम्मोहन। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, दक्षिण दिशा के किसी राज्य में प्रियसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वो कर्तव्य निष्ठ एवं न्यायप्रिय था, किंतु तब भी उसके राज्य की प्रजा दुखी रहती थी। कारण ये था कि वो अपनी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक उदार हो जाता था। वो उसकी प्रत्येक बात को सत्य समझने लगता था। राजा के इस एक अवगुण ने उसके सभी गुणों को निष्प्रभावी बना दिया था। चाटुकार राज्य कर्मचारी अपने स्वार्थ की बातें मनवा लिया करते थे, जिससे योग्य एवं कर्मठ कर्मचारियों में उत्साहहीनता फैल रही थी। वो चाटुकारी दर नहीं करते थे, इसलिए उनकी न्यायोचित बातों को भी महत्व नहीं मिलता था। यहां तक कि उन्हें चाटुकारों की द्वेष नीति से प्रताड़ित भी होना पड़ता था। राजा की इस दुर्बलता के कारण प्रजा भी त्राही त्राही कर रही थी। राजा के चाटुकार उस पर अत्याचार करते थे, किंतु चाटुकारिता के कारण राजा उन अन्याय कर्मचारियों की बातों को ही सच समझकर उनकी फरियाद पर ध्यान नहीं देता था। राजा के प्रधानमंत्री बुद्धि सेन ने इससे दुखी होकर उसे समझाने का यत्न किया, किंतु उसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं आया। इस पर बुद्धि सेन ने कहा, जिस घर का मुखिया सत्यासत्य का निर्णय तथ्यों के आधार पर करता है, उसके परिवार के योग्य सदस्य कुंठित हो जाते हैं। इससे परिवार की समृद्धि एवं विकास की हत्या हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि एक एक कर योग्य सदस्य उस परिवार को छोड़ जाते हैं और उसका विनाश हो जाता है। अपने प्रधानमंत्री के कथन पर राजा क्रोध से कांपता हुआ बोला, आप धमकी दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा राज्य नहीं चलेगा? नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं केवल इतना सोच रहा हूँ कि आपकी यही प्रकृति रही तो राज्य की प्रजा से सभी योग्य व्यक्ति दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे और हमारी प्रगति समाप्त हो जाएगी। यह आपकी कल्पना मात्र है। मैं एक न्यायप्रिय कर्तव्यनिष्ठ राजा हूँ। चारों ओर मेरी प्रशंसा होती है। मेरी सूचना है कि हमारे राज्य में कहीं कोई दुखी नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे विरुद्ध किसी षड्यंत्र में लगे हैं। बुद्धि सेन को इससे भारी मानसिक आघात लगा। उसने कहा, महाराज, जब अहंकार मनुष्य पर नियंत्रण कर लेता है तो वो उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपकी बातों को अन्यथा नहीं लेता। किंतु यह स्मरण रखे कि अहंकार विवेक को नष्ट कर देता है। मनुष्य सभी गुणों के रहते हुए भी एक पशु बन जाता है और उसका विनाश हो जाता है। महापराक्रमी विभिन्न शास्त्रों का विशारद एवं ज्ञान और बुद्धि का महानिधि होने के पश्चात भी रावण इसी अहंकार के कारण अपनी सोने की लंका के साथ विनष्ट हो गया था। वो अहंकारी तो था जिसने बाली और सुग्रीव को अपयश का भागीदार बनाया। अहंकारी व्यक्ति किसी का नहीं होता। वो एक ऐसा अग्निकुंड बन जाता है जो घास, चंदन, लकड़ी के गट्ठर और स्वयं के आश्रयदाता या जन्मदाता में भी अंतर नहीं करता। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे मूर्ख की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अतः मैं आपका राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। राजा स्वयं को मूर्ख कहा जाते सुनकर क्रोध में उन्मत्त हो उठा। उसने अपने राज्य कर्मियों को बुलाकर बुद्धि सेन को गिरफ्तार करवा लिया तथा उसे कारागार में डाल दिया। कुछ समय पश्चात प्रियसेन की राज्य सभा में दो व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, महाराज, हम सागर पार से आए हैं। हमारा नाम माधव और साधव है। हम भवन निर्माण की 135 कलाएं जानते हैं। हम एक अदृश्य महल बनाना चाहते हैं
किंतु अनेक राज्यों साम्राज्यों में भटकने के पश्चात भी कोई ऐसा राजा न मिला जो इसका व्यय वहन कर सकता हो। प्रत्येक स्थान पर हमें यही कहा गया है कि इस महल बनवाने की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर केवल महाराज प्रियसेन के पास ही है। इसी कारण हम महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व समृद्ध होने की बात सुनकर प्रियसेन प्रसन्न हो उठा। उसने अपने मन के उद्गारों को छुपाते हुए कहा, व्यय की चिंता तुम ना करो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, किंतु ये महल बनेगा कैसा, उसका आकार प्रकार क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। साधव माधव ने उससे एक महीने का समय मांगा। राजा ने उन्हें राजकीय व्यय पर राज्य में ठहरकर कार्य करने की अनुमति दे दी। एक महीने पश्चात माधव एवं साधव राज्यसभा में उपस्थित हुए। उन्होंने रेशम की एक बहुत बड़ी चादर लपेट रखी थी। राजा की अनुमति प्राप्त करके उन्होंने उसे फर्श पर फैला दिया। चादर पर सोने के तारों से एक विशाल महल का नक्शा बना हुआ था। राजा प्रियसेन उसे देखते ही वाह वाह कर उठा। राजा को वाह वाह करते देख राज्याधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर उस नक्शे की प्रशंसा प्रारंभ कर दी। प्रियसेन ने उन्हें सागर किनारे वो स्थान दिखा दिया जहां महल बनना था। माधव साधव 100 राज्य कर्मचारियों के साथ वहां माप जोख करने लगे। राजा से कहा कि ये अदृश्य महल धरती से 20 हाथ ऊपर बनाएंगे और वो महल चुंबकीय शक्ति से हवा में ही लटका रहेगा। राजा प्रसन्नता से अकड़ गया। विश्व में ऐसा महल किसी राजा के पास नहीं था। इससे जो ख्याति और प्रतिष्ठा उन्हें मिलने वाली थी उसकी कल्पना करके ही वो रोमांचित हो उठा। उसने कहा, तुम इस सर्वश्रेष्ठ महल को बनाओ, जितना भी धन व्यय होगा हम करेंगे। माधव साधव अपने काम में जुट गए। 6 महीने के अंदर राजकोष खाली हो गया। राजा ने नगर के सेठों से राज्य हुंडी पर विशाल धन राशि ले ली। वो सब भी उस महल में लग गई। अंततः वो महल बनकर तैयार हो गया। माधव साधव ने सूचना दी कि अब वो राजा उस महल का निरीक्षण कर सकते हैं। राजा प्रियसेन अपने सभी राज्याधिकारियों के साथ महल का निरीक्षण करने पहुंचा। निर्धारित भूमि पर एक 20 हाथ ऊंचा लोहे से निर्मित बड़ा सा मंच बना हुआ था। उसमें एक गरारी लगी थी जिस पर रस्सियों के सहारे एक झूला लगा था। माधव साधव सर्वप्रथम राजा के साथ झूले पर चढ़े। राज्य कर्मचारियों ने रस्सी खींचकर झूले को ऊपर खींच दिया। मंच पर पहुंचकर माधव साधव ने एक चश्मा पहनाते हुए हवा में संकेत करते हुए कहा, ये देखिए महाराज, कितना आलीशान महल है, इसके कक्ष कितने कलात्मक हैं, और वो गगनचुंबी कगूरे तो विश्व के किसी महल में नहीं लगे हैं। महाराज, प्राचीन काल में ऐसा महल केवल कुबेर के पास था, इस युग में तो ये धरती क्या स्वर्ग में भी नहीं है, अभी इसका मसाला कच्चा है, अन्यथा हम आपको पूरे महल की सैर कराते। इसके लिए आपको 3 महीने तक धैर्य रखना होगा। वो एक एक कक्ष की प्रशंसा करते रहे। राजा को दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा था, किंतु वो उन विदेशी शिल्पकारों के सामने स्वयं को मूर्ख प्रमाणित नहीं करना चाहता था, जो उसे बुद्धिमानों, धनवानों, वीरों और शक्तिमानों का नायक बता रहे थे। वो बड़ी गंभीरता से सिर हिलाते हुए उनका समर्थन कर रहा था। जब राजा नीचे उतर आया तो बारी बारी से सभी राज्य कर्मचारी ऊपर गए और महल एवं राजा की प्रशंसा में आकाश पाताल एक करते नीचे आए। यह सुन सुनकर राजा गौरव से तना जा रहा था। इसी समय वहां आए प्रजाजनों में से एक की छोटी बच्ची ने रोना प्रारंभ कर दिया। उसके माता पिता ने उसे राजा से भयभीत करके चुप कराने की प्रयत्न किया,
किंतु वो बच्ची चुप नहीं हुई। उसका रोदन सुनकर राजा ने कारण जानना चाहा। उसके माता पिता ने कहा, महाराज ये अबोध है, इसका अपराध क्षमा करें। ये कहती है कि ये भी झूले पर चश्मा पहनकर चढ़ेगी तथा ऊपर जाकर महल देखेगी। राजा सहृदय तो था ही, उसने राज्य कर्मचारियों एवं माधव साधव को आदेश दिया कि वो उस बच्ची को भी महल दिखाएं। माधव साधव सकपकाए, उन्होंने इधर उधर की बातें करके टालना भी चाहा, परंतु राजा अपने निर्णय पर अटल रहा। अंततः वे उस बच्ची को भी ऊपर ले गए। कुछ ही देर बाद उस 10 वर्ष की बच्ची ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों झूठ बोलते हैं, यहाँ कोई महल नहीं है। इस पर राज्याधिकारियों ने क्रोधित होकर कहा, लड़की महाराज ने स्वयं महल को देखा है, क्या तू महाराज को भी झूठा बताना चाहती है। लड़की को नीचे उतारा गया। उसने रोते हुए कहा, वहाँ कोई महल नहीं है, ये दोनों झूठे हैं, महाराज भी झूठ बोलते हैं। महाराज भगवान की शपथ लेकर कहे, क्या वहाँ उन्होंने कोई महल देखा है। राजा प्रियसेन सकपकाया, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलता था। उसने कहा, महल तो मैंने भी नहीं देखा है। ये सुनकर राजाधिकारी भी सकपकाए। उन्होंने एक एक करके कहना प्रारंभ किया कि महल उन्होंने भी नहीं देखा है। बालिका ने हंसते हुए कहा, और वहां ऊपर चील भी उड़ रही है, महल से बिना टकराए। राजा ने ऊपर देखा तो सचमुच एक चील वही चक्कर लगा रही थी जहां माधव साधव ने महल का होना बताया था। राजा समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने माधव साधव को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तब माधव साधव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज प्रशंसा का सम्मोहन ऐसा ही होता है, इसके द्वारा वो सब सत्य दिखाई देने लगता है जिसका कहीं अस्तित्व भी नहीं होता। हमारा उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं था, हमने तो आपकी आंखें खोलने के लिए ये सब किया है। आपके द्वारा दिए गए धन की एक एक मुद्रा राजकुमारी पद्मावती और रत्नावती के पास है, वो हमारी इस योजना में सम्मिलित थी। राजा ने विस्मय से पूछा, मेरी पुत्रियां तुम दोनों को कैसे जानती हैं? महाराज आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके प्रधानमंत्री बुद्धिसेन के पुत्र हैं, जो 10 वर्ष की आयु में ही शिक्षा प्राप्त करने मगध के नालंदा विश्वविद्यालय में चले गए थे। वहां से लौटने पर ज्ञात हुआ कि पिताश्री आपकी कारागार में बंद हैं। राजकुमारियां बचपन से ही हमारी मित्र थी, हमने उनसे बातें की तो मैं समझ गया। राजा प्रियसेन ने लज्जित होकर कहा, मैं अपनी अज्ञानता पर लज्जित हूँ, मैं तुम दोनों से अपनी प्रजा से एवं बुद्धिसेन जी से भी क्षमा याचना करूंगा। राजा ने बुद्धिसेन को मुक्त करके क्षमा मांगी और राजकुमारियों का विवाह माधव साधव से कर दिया।